So my dear students, earlier we have discussed about 10th question of NCERT. Now today we shall discuss 9.11. It's a very interesting one क्योंकि ये आपको application सिखाएगा जो आप तक आपने अभी सीखा. Question है, a compound microscope consists of an objective lens. एक compound microscope है जिसका objective lens है. ये इस तरह का होगा, ये objective होगा, इधर ये eyepiece लगा होगा. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव का ये कहता है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंथ फोकल लेंथ, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो क्या मतलब कन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही लेंगे. एंड आईपीस, ये जो आईपीस है ना जहां से आप देखोगे, ये दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ आईपीस का दिया हुआ है इसने 6.25 सेंटीमीटर. चलिए बड़ी अच्छी बात है. आगे कहते हैं कि आप ये बताओ कि हाँ, द आई पीस एंड फोकल लेंस, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर. अच्छा, आप एक चीज आप याद रखिएगा अभी से, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हर समय यूज होगा. शायद ये मैंने बताया भी आपको कि वीओ, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनती है वो बिल्कुल इसके पास ही बनती है, तो वीओ और यूवी, यूवी को ऐड करें तो किसके बराबर आता है, लेंथ के बराबर. ये चीज याद रखिएगा. और ये मॉड में रखना है, यहाँ चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, हमेशा ये लेंथ आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है. तो वीओ प्लस यूवी आपको क्या मिलेगा, लेंथ. और लेंथ कितना दिया हुआ है, दैट इज 15. एक इक्वेशन हमने यहां मिल गया कि VO plus UV is equal to 15. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. चलिए अब हमको आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये बोल रहा है, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो के, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन. तो ये कह रहा है केस वन में कह रहा है कि जो वीपी हो वो कहां हो, यानी ए, ए में कह रहा है कि वी कहां हो, बी में, बी यानी आप जानते हो कितना 25 सेंटीमीटर. और जाहिर सी बात है ये किधर बनेगा, लेंस के सामने बनेगा, तो ये आपको डी जो लेना होगा वहां माइनस को लेना पड़ेगा. तो ये पहला केस है. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं. तो सबसे पहले हमें ये चीजें तो मालूम है, आईपीस की हेल्प से हम जानेंगे, तो यूई निकाल सकते हैं, है ना, यूई निकाल सकते हैं. और वीओ भी निकल जाएगा, तो यूई निकालने की कोशिश करेंगे हम. तो हमें मालूम है 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE. ये चीजें हमें मालूम, ठीक है. 1/FE आपके पास है, 1/FE की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए V की वैल्यू आप जानते हैं, ये जो है 25 है, और 25 हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, 1/D. ये V इसके बराबर है D के, ये D हम किसमें लेना है, नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस 25 और ये माइनस 1/UV जब निकालेंगे. चलिए यहाँ तक आ गए, आगे सॉल्व करते हैं. ये वैल्यू इसको आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1.625 प्लस 1/25 इज इक्वल टू माइनस 1/UE. दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, 25 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स और ये एक बार में, तो माइनस 1/UE देखो कितना आ गया, कितना आ गया, तो UE जो है माइनस UE जो होगा वो कितना आ जाएगा, 25/5 कितना आ जाएगा, 5. यानी UE जो होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये जो इमेज बनाएगा, ये जो इमेज बनाएगा वो आईपीस के लिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा. यानी इससे कितनी दूरी पे ये इमेज बनेगा, इससे कितनी दूरी पे इसका इमेज बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे. अच्छा, अब देखो हमारे पास वीओ, वीओ की बात करते हैं तो वीओ निकालते हैं, हमारे पास यूवी तो हमें पता चल गया, तो वीओ भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट वीओ
ये हमको मॉड में लेना है, भले माइनस फाइव है लेकिन यहाँ ये वैल्यू हमको मॉड में लेना है ना, तो यहाँ कितना लेंगे फाइव इज इक्वल टू कितना है 15। इसका मतलब वीओ की वैल्यू जो आएगी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी में, ठीक है। माइक्रोस्कोप
लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9.11 के बाद नाउ 9.12 U, U, U.
ये हो गया 1 बाय f की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.15 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 144 सेंटीमीटर और आईपीस
जो लेंथ होती है ना वो l is equal to चाहे आप ये लिख सकते हो f of plus ft जब फाइनली निकल रहा है इनफिनिटी पे, या ये भी बताया था कि vu plus ue होता है। ये फार्मूला आप याद रखना चाहिए। तो लेंथ जो होगा वो कितना आएगा 144 f हो गया और ये हो गया 6 यानी कितने हो गया 150 सेंटीमीटर। ठीक है आगे चलते हैं, आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे 14 15 16 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेंगे।